अजय जी, सोयाबीन की बात की जाए यहाँ पर, तो सोयाबीन पर सरकार ने हाल ही में पोल्ट्री उद्योग को जीएम सोयाबीन का आयात करने की परमिशन दे दी है, तो इसका असर अब ओवरऑल एडिबल ऑयल पैक पर कितना देखने को मिल सकता है? देखिए, पहले भी हमने देखा, जब जब इंपोर्ट होता है तब तक एक सेंटिमेंटल नेगेटिव मार्केट बनता ही बनता है, और ऐसा ही कुछ हाल हमने इस बार भी देखे हैं कि प्राइसेस के अंदर तेजी इसलिए है क्योंकि डिमांड, अब चाहे पॉलिट्री इंडस्ट्री की बात करें या प्रोटीन बेस्ड जो रिक्वायरमेंट है वो पड़ रहा है। हमारे यहाँ पे पिछले 3-4 महीने में हमने देखा कि प्राइसेस के अंदर मस्टर्ड की सोइंग अच्छी होने की वजह से प्रोडक्शन अच्छा था, और जिसकी वजह से प्राइसेस थोड़े से कैप डाउन थे और गवर्नमेंट ने एक्शन भी जो लिए थे, बट टाइमिंग मुझे लगता है कि प्राइसेस एक कंसोलिडेशन मूव करता हुआ ही दिखाएगा क्योंकि इंटरनेशनल में अभी भी सोयाबीन तेज है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई जो ये इंपोर्ट गवर्नमेंट ने किया है उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर जरूर है, बट वो टेम्पररी इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर बोल सकते अभी एडिबल काउंटर, चाहे मस्टर्ड की बात करें चाहे सोया की बात करें, सभी एडिबल के अंदर हमने देखा कि कहीं ना कहीं ग्लोबल के जितने भी सेंट्रल ग्लोबल की जितनी भी इकोनॉमिक कंट्री है, ये पूरी कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं एडिबल को प्राइसेस को नीचे लाया जाए जी। तो आई थिंक टेम्पररी प्राइसेस में जो सपोर्ट है वो थोड़ा बहुत दिख सकता है, बट हम जून जून बियॉन्ड देखेंगे तो सोयाबीन हो, क्योंकि इसका सोइंग भी इस बार इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रही है, तो मार्केट में प्रेशर वापस बनता हुआ दिख जाएगा। हाँ जी,